दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज़ की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत खास मेडिसिन के बारे में, जिसे आयुर्वेद में गोखरू कहा जाता है। बेसिकली आयुर्वेद से ही ये मेडिसिन होम्योपैथी में आई है, और होम्योपैथी में इसे इसके बॉटेनिकल नेम यानी कि ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस के नाम से यूज़ किया जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आयुर्वेद में जिनके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी में भी लगभग वे सारे सिम्टम्स मेडिसिन के मैच करते हैं, और उन सारे सिम्टम्स के लिए ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है। इसका जो खास सिम्टम देखा जाता है, इसका जो खास एक्शन देखा जाता है होम्योपैथी में, जो कि प्रूविंग के दौरान पता चला है, वो है मेल जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स पर, यानी कि पुरुषों के प्रजनन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, पुरुषों के प्रजनन तंत्र के जो ऑर्गन्स होते हैं, ये उन पर काम करता है, और ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस उन बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है। तो आज मैं इसके सारे सिम्टम्स आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसका जो सबसे खास उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो सबसे पहले डिस्यूरिया के केसेस में किया जाता है, यानी कि जिन लोगों को मूत्र कृच्छ की प्रॉब्लम होती है, हिंदी में इसे मूत्र कृच्छ बोला जाता है, जिन लोगों को यूरिन में दर्द की शिकायत होती है, यूरिन करते समय उनको दर्द हो सकता है, यूरिन करने के पहले उनको दर्द हो सकता है, यूरिन करने के बाद उनको दर्द हो सकता है, तब उस कंडीशन में को डिस्यूरिया कहा जाता है, और डिस्यूरिया के केसेस में ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का उपयोग करना चाहिए। अब ये डिस्यूरिया दोस्तों क्यों होता है? ये किसी भी कारण से हो सकता है, या तो उनको रीनल स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि प्रोस्टेटाइटिस जिसे कहते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी जिसे कहते हैं। इन सारी बीमारियों में यदि डिस्यूरिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि पेशेंट को यूरिन करते समय, यूरिन करने के पहले या यूरिन करने के बाद में दर्द होता है, तब उस कंडीशन में ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स पर भी ये काम करती है, तो जेनाइटल्स पर इसका जो इफेक्ट होता है वो खास तौर से देखा जाता है। वे लोग जिन्हें मैस्टरबेशन करने की हिस्ट्री रही है, होम्योपैथी में हम उसे मैस्टरबेशन डिस्पोजिशन कहते हैं, यानी कि वो लोग जो कि 14-15 वर्ष की उम्र से मैस्टरबेशन स्टार्ट कर चुके थे, और उस मैस्टरबेशन के कारण उनके शरीर में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, सेक्शुअल डेबिलिटी डेवलप हो गई है, शरीर उनका अंदर से कमजोर हो गया है, आंखें बिल्कुल अंदर की ओर धस चुकी हैं, चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो चुका है, कम उम्र में ही वो लोग बूढ़े दिखाई देने लगे हैं, उनका सीमेन यानी कि उनका जो वीर्य है वो एकदम से पतला हो गया है, उनका जो पेनिस है उनमें बिल्कुल इरेक्शन नहीं होता है, कड़कपन बिल्कुल नहीं आता है, या कड़कपन आता है तो कम आता है। इसके साथ ही जब वो इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं, यानी कि संभोग करने की कोशिश जब वो करते हैं, तो वो प्रॉपर इरेक्शन ना हो पाने के कारण डिस्चार्ज पहले ही उनका हो जाता है, यानी कि वीर्य स्खलन हो जाता है, तब उन सारी कंडीशंस में ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों का वीर्य पतला हो गया है और उसके कारण उनके स्पर्म काउंट कम हो गए हैं, यानी कि उनके जो शुक्राणु हैं वो कम हो गए हैं, तब भी उन केसेस में ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर यूज़ करना चाहिए। ये मदर टिंचर शरीर में जाके शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ा देता है, और जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम है वो नॉर्मल हो जाते हैं, और जिन लोगों में इनफर्टिलिटी उसके कारण डेवलप हो जाती है तो वो इनफर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं दोस्तों, जिनमें कि बच्चे पैदा ना होने का कारण महिलाओं में नहीं होता है बल्कि पुरुषों में होता है, और पुरुषों में उसका कारण ही होता है कि उनके स्पर्म जो है वो कम है। वीर्य की मात्रा तो ठीक है, मतलब सीमेन तो है, लेकिन उस सीमेन में
शुक्राणु नहीं है, यानी कि स्पर्म नहीं है, जिसके कारण उनमें इनफर्टिलिटी डेवलप हो गई है। तो यदि देखा जाए तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए, यानी कि पुरुषों में होने वाले बांझपन की, ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है। इसके अलावा जिन लोगों में बहुत अधिक मैस्टर्बेशन के कारण या फिर बहुत अधिक सेक्सुअल इंडल्जेंस के कारण, दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना है कि केवल मैस्टर्बेशन की ही हिस्ट्री ना हो। यदि वो व्यक्ति बहुत लंबे समय से सेक्सुअल इंडल्जेंस में है, वे लोग जिनके बहुत सारी महिलाओं से सेक्सुअल संबंध होते हैं, जो कि दिन में कई बार सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, उन लोगों में भी यदि किसी प्रकार की सेक्सुअल डेबिलिटी आ गई है, उन लोगों में भी ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस बहुत अच्छा काम करती है, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स में जाकर ये न्यूरास्थीनिया की प्रॉब्लम को खत्म करती है। यानी कि सेक्सुअल डेबिलिटी आ गई है, उनके लिंग में कड़कपन नहीं आ रहा है, यानी पेनिस में उनके कड़कपन नहीं आ रहा है, या फिर आता है लेकिन पूरी तरह कड़कपन नहीं आता है, या फिर उनके अंदर बिल्कुल ही आना बंद हो गया है, तो ये सारी कंडीशंस में ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस बहुत अच्छा काम करती है। हमें इसके मदर टिंचर का उन लोगों में यूज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, वे लोग जिनकी बढ़ती हुई उम्र के कारण उनमें सेक्सुअल प्लेजर की कमी हो गई है, यानी कि वो उतना अच्छा सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं उनकी उम्र के कारण, तब उन लोगों में भी ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस बहुत अच्छा काम करती है। ये ब्लड में जाके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है, ब्लड फ्लो को पेनिस की ओर बढ़ाती है, टेस्टिकल्स में बढ़ाती है, और सेक्सुअल प्लेजर जो होता है उसको इम्प्रूव करती है। तो जिन लोगों की एडवांस एज है, एडवांस एज के कारण उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, वो पूरी तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, यानी कि 45-50 वर्ष से 55 वर्ष 60 वर्ष की उम्र के जो लोग होते हैं, जिन्हें की सेक्सुअल डिजायर तो है, यानी कि उनके अंदर सेक्स की डिजायर तो हो रही है, लेकिन उनके ऑर्गन्स पूरी तरह उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तब उस कंडीशन में भी ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का उपयोग किया जाना चाहिए और हमें इसका मदर टिंचर ही यूज करना चाहिए। दोस्तों, वे लोग जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है एक्सेसिव मैस्टर्बेशन के कारण, उन लोगों में भी ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, खासतौर से यंग एज के जो लड़के होते हैं, जो मैस्टर्बेशन बहुत ज्यादा करते हैं, और मैस्टर्बेशन के कारण उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी मेमोरी जो है वो वीक होती चली जा रही है। यदि हम इसके दूसरे यूरिनरी सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लोगों को इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में, यानी कि मान लीजिए कि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है, या उनके ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है, और उनकी यूरिन अपने आप हो जाती है, यानी कि उनको पता ही नहीं चलता और पेशाब उनकी निकल जाती है, तब उन लोगों के लिए भी ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर बहुत हेल्प करता है, और उस कंडीशन में भी हमें इसका मदर टिंचर ही यूज करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूं कि हमें ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर कैसे यूज करना है। हमें दोस्तों इसकी 30 ml की एक बॉटल आती है छोटी वाली, वो लेके आना है, और उसमें से 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पेशेंट को देना है। 20 बूंद का इसका डोज बिल्कुल ठीक है, ना बिल्कुल हाई डोज है और ना ही बिल्कुल लो डोज है। यदि हम 5-10 बूंद यूज करेंगे तो उसके बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 20 बूंद का जो डोज है वो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर हम ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर उन पेशेंट्स में दे सकते हैं जिनमें कि किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि सेक्स से रिलेटेड कोई कमजोरी है, उनके प्रजनन तंत्र से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड कोई कमजोरी है, उनको पेशाब में दर्द की कोई प्रॉब्लम है या जलन हो रही है, तब इन सारे सिम्टम्स के लिए हम ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर उन्हें बड़ी आसानी से दे सकते हैं। यदि हम बात करें कि किस कंपनी का लेना है, तो आप जर्मन भी ले सकते हैं और इंडियन कंपनियों में SBL कंपनी का भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां आती हैं, आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं।
निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।